गुड मॉर्निंग, जय मुरलीधर। यहाँ बागीचे में और वो जवार मक्की हुई है, उसमें पिलाना है पानी। पाइप बिछा दी है कंप्लीट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं मोटर तो आएगा पानी, और ज्वार और मक्की मिक्स की है उसमें लग जाएगा। तो टिपिकल साउंड हो गया है स्टार्ट, और वो देखिए वहाँ से भी पानी स्टार्ट हो गया और यहाँ से भी स्टार्ट हो गया। देखो अब तो इतनी मस्त ग्रो हो चुकी है जवार मक्की, और पानी भी फास्ट जा रहा है। अभी बगीचे में स्टार्ट हो चुका है, बाकी सीताफल देखो गाइस, कल एक पका था, अब धीरे धीरे सारे पकने लग जाएंगे, और जो ज्यादा डाउटफुल लग रहे हैं ना वो अब निकाल लेने हैं, वरना वो खराब हो जाएंगे। तो उसे थोड़े दिन तक रख देंगे ना तो वो मस्त पक जाएंगे। ये देखो यहाँ पर है, ये वो जो भी पकने जैसे लग रहे हैं ना वो निकाल देंगे। तो देखो ये पूरी क्यारी पी गई, अब ये बागीचे में पिला रहे। चलो कर दी मोटर ऑफ, अब थोड़ा सा पानी आ रहा है, यहां से भी पानी निकलने लगे, वहां तक पहुंच गया, अभी निकाल देते हैं वापस इसे। ये अभी भी निकल रहा है इसमें से, और इसमें देखो ये गलत तरीके से लग जाता है ना गैस, तो इतने खुलने में मुश्किल होता है, तोड़ना ही पड़ता है फिर। गैस हम लोग खरपतवार हटा रहे थे इसलिए मूंगफली में तो देखा ही नहीं, कितनी बढ़िया हो गई है, दिखाता हूँ। बी में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई, ये देखो यहाँ पर बहुत सारी जगह, देखो हल्का हल्का पीला दिखेगा आपको यहाँ पर, ये दो तीन वहाँ पर है, और ऐसे भी देखो कितनी बड़ी सी होगी। हम तो सिर्फ खरपतवार हटा रहे थे, इस तरफ तो देखा ही नहीं कि इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट होगी। ये देखिए यहाँ पर मैं तो मस्त होने लग गए हैं, अब इसमें खरपतवार के लिए इम्प्लीमेंट भी चलाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तो अब सोचेंगे, क्योंकि बेल तो चला नहीं पाएंगे। पापा ने पपीते का पेड़ निकाल दिया, क्यों निकाल दिया पापा? गमता नहीं था इसलिए, ये मेल पपीते का पेड़ था नहीं, इसलिए इसमें आ ही नहीं रहे थे पपीते। ये देखो इसमें कैसे आ गए हैं, इतनी सी है तो ये भी, तो इसलिए ये निकाल दिए है, अभी दूसरा भी निकाल रहे हैं। ऐसे रहते तो मस्त लगते, लेकिन इसमें आ ही नहीं रहे तो क्या करेंगे। एक
निकल दी, दो निकल दी, और अब ये तीसरी भी निकल जाएगी, पत्थर गिर जाएगा। यहाँ पर डाल दिए तीनों पपीते के पौधे, ये देखिए ये सारा कचरा भी सूख जाएगा, तब जला देंगे। हर हर महादेव, तीसरी बार खरपतवार हटाना स्टार्ट कर दिया। खरपतवार 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 खरपतवार, अब और कितनी बार निकालना पड़ेगा पापा? दस बार, 15 बार ही ने खरपतवार हटाया था। देखो गैस, तब जाके ये इतनी बढ़िया मूंगफली हो पाती है यार। तो गाइस, अभी यहाँ पर शिव जी का भक्त दिखा है सांप, अब यहाँ मूंगफली में कहीं चला गया, दिख नहीं रहा है। ये देखिए गाइस, यहाँ दिख रहा है हल्का हल्का। देखो गाइस, अब दिख रहा है। अभी चला गया है उस तरफ, बढ़िया है। चलो, श्रावण मास के दूसरे दिन सांप दिख गया, बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर तांजरिया की भाजी मिली है, पापा बोल रहे हैं निकाली नहीं है, सब्जी बना पाएंगे। और राधिका लग गई निकालने, लग गई देखिए। मैं भी निकल, रहने दो, अब सब्जी बन जाएगी। राधिका और पापा में लड़ाई हो गई, तांजरिया भाजी रखनी है कि नहीं रखनी। तो मैं जॉब पर चला गया था, अभी वापस आया हूँ, खाना खाया, तो मुझे वापस लग गए हैं, यहाँ तक पहुँच गए। देखिए, मैं गया था तब वो टैंक के आसपास में थे, तो इतना ले लिया, उसके बाद में अभी आया हूँ। तो वापस यहाँ पर पहुँच गए, सभी अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं। देखिए, और मम्मी सीताफल देखने गए हैं, एक दो पक्के नहीं ना, तो वो जो भी पकने जैसे लग रहे थे वो तो निकाल कर रख दिए है किचन में। तो यहाँ छाँव में बैठे हैं बस, और इस तरफ चलते जा रहे हैं ना, खरपतवार हटा देते हैं, ऐसे करेंगे ना पसीने की झाग निकल रही, इतना इतनी ज़्यादा धूप है। श्रावण मास नहीं लग रहा है, ये भादरवा महीना आ गया ऐसा लग रहा है। मिला? एक भी नहीं। तो अभी घर पे आ गए हैं, ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, मतलब काम करने में। वैसे तो शाम हमारी होगी 12 बजे। बिल्कुल चराने के लिए आ गया रास्ते में। ये हमारा बैल इस साल की बारिश में पहली बार ग्रास खा रहा है। वैसे बारिश में ही खिलाने को मिलता है, लेकिन ये बैल ही हमने थोड़े टाइम पहले ही खरीदे हैं, तो ये बैल पहली बार ग्रास खा रहा है हमारे यहाँ। इस तरीके से बारिश के टाइम पर ही खिला पाते हैं, तो पहली बार खा रहा है ये बैल। बैल यहाँ चारा खा रहा है, और चाचा चाची अभी घर पे जा रहे हैं,
ये खेत में कंप्लीट खरपतवार हटा दिया ना राहुल, रुक तो सही, तू तो देख थोड़ी देर। कब से चरा रहा हूँ यहाँ पर, अब तो मस्त पेट भर गया है, लेकिन फिर भी जब तक खाता है तब तक खाने देते हैं, और कितने दिनों से चलाया नहीं है ना, इसलिए अभी तो मैं ले जाऊंगा ना, तो उछल कूद भी इतना ही करने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया चलाया नहीं है इसके, और अब तो चला भी नहीं पाएंगे क्योंकि वाइट बेल बीमार है। चलो अब चलना है, खा लिया है तो चलते हैं। बेलू रस्सी कहाँ पर ले ली यार तुमने? चल 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 चलो अभी तो खाना है, खाने देते हैं। देखो गाइस ये बिल्कुल भी मारता नहीं है, मैं ऐसे यहाँ बैठा था ना तो यहाँ से खा भी लिया और मुझे कहीं पर टच भी नहीं होने दिया, तो मस्त शांत बैल है हमारा। देखो इससे पता चलता है, ये है राम सिंह बाबा की मूंगफली, 15 इंच पर बोई हुई थी ना, वो देखिए ऐसी दिखने लगी है अभी, ये देखो इससे भी बड़ी होगी तो जरा भी गैप नहीं दिखेगा, अभी तो हल्का हल्का दिख रहा है, लेकिन जब बोर ग्रो होगी तब तो गैप दिखेगा ही नहीं, सारा कुछ समतल हो जाएगा। अभी खिला दिया है ग्रास, मस्त खाना हो चुका है कंप्लीट मेल का, अभी घर पर निकल चुके हैं मैं और मैं। चलो चलो फूल तो घर पे ही था गाइस, हमारे घर पे आ गया था, देखो अब जा रहा है, जाना है कितनी देर बैठे देखो कहाँ चराने से लंपी वायरस होता है। कमर बड़ ने खबर ही उठ के क्या इम ने आम चार में चाय रहा हाँ तो पैसी। तो चलो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं कल अगले वीडियो में, बाय बाय।